और आज के मौके के हवाले से इतना बड़ा ये दुनिया को पता चले कि हमारा हिंदुज़म कितना अहम है और ये इतना बड़ा मेला है। और इस मेले के ऊपर मुझे स्पेशली वहाँ से पाकिस्तान से जो बुलाया गया और मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं तो वैसे भी हर साल में दो मरतबा हरिद्वार जाता हूँ, मैं कुंभ के मेले के ऊपर पहले भी आता हूँ, मगर आज भारत सरकार ने बुलाया और इतने सारे नुमाइंदों को बुला के मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, बहुत शुभकामनाएं हो। और आज जिस किले के नीचे खड़े हैं, मैं समझता हूँ इस किले और इस दरख्त की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है और इस हिस्ट्री के नाते मैं चाहूँगा कि हम आगे बढ़ें और अब आपस में अमन करें। आपकी जड़ें यहीं से हैं इसलिए यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? मैं बिल्कुल पैट्रन इन चीफ हूँ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल का और मैं 17 साल से पार्लियामेंट में भी हूँ और मैं इंडिया पाकिस्तान पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप का कन्वीनर भी हूँ और मैं 2002 से जो है मुख्तलिफ गवर्नमेंटों में रहा हूँ। मैं हमेशा जब भी वहाँ पे भी ऐसा कोई मौका आता है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमारी हरिद्वार है, यहाँ पे मेरी गंगा माता है, यहाँ पे मेरा शरीर का द्वार है। मैं हमेशा उस हवाले से बात करूँ, वहाँ पे भी पार्लियामेंट के अंदर भी वहाँ पे मेरे होते हुए कोई जो है वो हिंदुज़म के हवाले से बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं बिल्कुल दिल्ली और मैं वहाँ पे आइसकॉन का बहुत फॉलोअर हूँ। वहाँ पे इस वक्त भी जो टेरी के मंदिर थे वो भी मैंने रिस्टोर कराए, जितने भी मंदिर हैं जितने भी गुरुद्वारे हैं उनको पूरे की एज ए पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल में देखभाल करता हूँ और करता रहूँगा और मैं चाहूँगा कि एज ए इंडिया पाकिस्तान पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप में आगे बढ़ूँ। जो माहौल इस समय है मैं समझता हूँ कि अगर संबंध बेहतर होंगे और तो भारत को जो है आज भारत 2020 तक एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है तो ये एशियन टाइगर बन सकता है, वर्ल्ड टाइगर। एशियन टाइगर तो बना हुआ, वर्ल्ड टाइगर बन सकता है अगर आपस में हालात जो है वो मोहब्बत भरे बनेंगे। और जो भी एविडेंस, जो भी मैं अगर वहाँ पे कोई मीडिएटर तो रोल इख्तियार कर सका तो पाकिस्तान की तरफ से, तो वैसे ही मैं वहाँ से इंडिया पाकिस्तान पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप का कन्वीनर हूँ। अगर यहाँ से मुझे मुस्बत कोई पॉजिटिव रिप्लाई मिला तो मैं वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट दोनों से बात कर सकता हूँ, मगर मैं चाहूँगा कि माहौल को जो है वो पॉजिटिव लेके जाएँ और शांति की तरफ लेके जाएँ और ये जो ये इल्ज़ाम और ये चीज़ें जो है वो खत्म।